हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो बालको? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सरस्वती भद्रा जोन में। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से पढ़ रहे होंगे, पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो नाइन्थ क्लास का जो पोर्शन था उसमें हमारा क्या चल रहा है? तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा नाइन्थ क्लास में, नाइन्थ की जो हमारी साइंस है उसमें चैप्टर नंबर 14 और उसका पार्ट नंबर 7, सातवां भाग, सातवां वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए कंटिन्यू पढ़ते हैं। पाठ का नाम है प्राकृतिक संपदा। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा, आपको कुछ याद है? पानी के बारे में पढ़ा था, जल प्रदूषण कैसे होता है, जल प्राणियों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्या जल जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पर बहुत सारे एनिमल डेवलप कर जाएंगे, ऐसे ही कुछ चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज का नया टॉपिक देखते हैं हमारा क्या होगा। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 14 का सातवां पार्ट, जिसमें हमारा जो मेन टॉपिक है वो है जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन। क्या नाम है? जल प्रदूषण यानी वाटर पोल्यूशन। हमें जल प्रदूषण के बारे में पढ़ना है कि जल प्रदूषण कैसे होता है, वाटर पोल्यूशन क्या है। तो सबको सिंपल भाषा में इतना तो पता है कि जल जो प्योर वाटर है, यदि प्योर वाटर नहीं रहेगा, उसमें अशुद्धियाँ मिल जाती हैं, जल में कुछ हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं, तो वही जल प्रदूषण है। वो जल फिर पीने योग्य नहीं होता। तो जल की जो सामान्य अवस्था है, जो प्राकृतिक अवस्था में जो जल पाया जाता है, शुद्ध जो पानी होता है, उसमें किसी प्रकार के हानिकारक कीटाणु, जीवाणु, विषाणु या हानिकारक पदार्थ अंदर चले जाते हैं, पानी में मिल जाते हैं, तो फिर ऐसे पानी को हम जल प्रदूषण कहते हैं या प्रदूषित जल कहते हैं, पोल्यूटेड वाटर कहते हैं, और ये प्रक्रिया जल प्रदूषण कहलाती है। जल उन कीटनाशकों और उर्वरकों को भी घोल लेता है जिसका उपयोग हम खेतों में करते हैं। जल उन कीटनाशक और उर्वरकों को भी घोल लेता है जिसका उपयोग हम खेतों में करते हैं। तो जल में भी सारे उर्वरक भी मिल जाते हैं। उर्वरक जैसे कि हम यूरिया खाद का छिड़काव करते हैं, एनपीके खाद का छिड़काव करते हैं, या बहुत सारे कीटनाशक जो स्प्रे हम फसल को अच्छी प्राप्त करने के लिए स्प्रे जो करते हैं, उनके जो आयन हैं वो भी जल के अंदर मिल जाते हैं। अतः इन पदार्थों का कुछ प्रतिशत भाग जल में चला जाता है। समझ में आ रही बात है? तो इन पदार्थों का, ये जो जहरीले पदार्थ हैं, जो उर्वरक हैं, जो कीटनाशक हैं, जो स्प्रे हैं, जो पेस्टिसाइड हैं, जिनको हम खेतों में फसलों को अच्छी प्राप्त करने के लिए छिड़कते हैं, उनका कुछ भाग पानी में मिल जाता है। हमारे शहर या नगर के नाले का जल और उद्योगों का कचरा भी नदियों तथा झीलों में संग्रहित हो जाता है। अपने शहर या नगर के नाले का जल, नाले का तो गंदा पानी होता है, नालियों का पानी, और उद्योगों का कचरा, बहुत सारी जो फैक्ट्रियां होती हैं उनका जो कचरा है वो भी नदी और झीलों में संग्रहित हो जाता है, नदियों में चला जाता है, या तो लोग फेंक देते हैं उसको, या नाले में प्रवाहित होकर अपने आप है जो गंदा पानी है, जो गंदगी है, जो कचरा है, कूड़ा करकट है, वो नदियों में और झीलों में चला जाता है। कुछ विशेष उद्योगों की बहुत सारी क्रियाओं में शीतलता बनाए रखने के लिए जल का प्रयोग किया जाता है। कुछ विशेष उद्योगों की बहुत सारी क्रियाओं में, ऐसी बहुत सी फैक्ट्रियां हैं जिसके अंदर शीतलता यानी मशीनों को ठंडा करने के लिए, या किसी जो फैक्ट्रियां हैं या कोई जो मशीन ऐसी हैं तो उसकी शीतलता करने के लिए जल का प्रयोग किया जाता है, ठंडक प्रदान करने के लिए। तो वहाँ पर भी जो जल होगा वो भी क्या होगा, प्रदूषित होगा। जैसे कि कोई पानी है वो किसी रेटर के अंदर से, किसी मशीन के अंदर से जा रहा है, ठंडा पानी वापस गर्म होकर निकल रहा है, तो वो पानी क्या होगा, शुद्ध नहीं होगा। ऐसे पानी को भी हम प्रदूषित जल कह सकते हैं। तो पानी के प्रदूषित होने के कई कारण हो सकते हैं, है ना? तो इस प्रकार से हमें देखना है कि जल प्रदूषण किस प्रकार से हो सकता है, कितने उसके कारण। तो जल का यूज, तो देखो जल बहुत सारे प्रकार से, जो जल है वो गंदा हो सकता है, वो प्रदूषित जल के रूप में बदल सकता है, बहुत सारे इसके कारण हैं।
तथा इस प्रकार निष्पादित गर्म जल को जलाशय में वापस लौटा दिया जाता है। मैंने बताया निष्पादित जल की बात करें तो मशीनों की बात होती है। बहुत सी मशीनें आपने ऐसी देखी होंगी जिसमें पानी डाला जाता है, ठंडा पानी डालेंगे गर्म पानी बाहर निकलेगा ताकि मशीन गर्म न हो, है ना। इसीलिए तो जो ट्रैक्टर होते हैं, गाड़ी होते हैं, वाहन, उसमें भी पानी डाला जाता है, उसमें थोड़ा डाला जाता है वो रेटर के अंदर। बाकी में तो जो बड़ी फैक्ट्री है वहाँ पर मशीनों में तो बहुत पानी डाला जाता है। तो मशीनों में डालकर जो पानी वापस बाहर निकलता है, तो इस प्रकार निष्पादित गर्म जल को जलाशय में वापस लौटा दिया जाता है। जब बांध से जल को छोड़ा जाता है तब नदियों के जल के तापमान पर भी प्रभाव पड़ता है। यदि आप बरसात के पानी को बांध में एकत्रित कर लिया आपने, और जब बांध से जल को छोड़ा जाता है तब नदियों के जल के तापमान पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इससे नदी के अंदर का जो पानी है उसका तापमान कम ज़्यादा हो सकता है, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। गहरे जलाशय के अंदर का जल सूर्य के द्वारा गर्म होकर ऊपर की सतह की तुलना में शीतल होगा, है ना। तो जलाशय के अंदर का जल, तो पानी जैसे किसी समुद्र में पानी है, किसी नदी में पानी है, तो उसका ऊपरी भाग तो क्या होगा, गर्म होगा। और नीचे का जो पानी है तल में, किसी जलाशय नदी के तल में जो पानी होगा वो क्या होगा, ठंडा होगा। तो टेम्परेचर भी फर्क होता है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। ये सभी जलाशयों में, जलाशय जल का आश्रय करने वाला, जल को रखने वाला, ये सभी जलाशयों में पाए जाने वाले जीवों के प्रकार को विभिन्न प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं। तो जल के अंदर यदि कोई जीव रहते हैं बेचारे, उनका तो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाता है जब उसमें गंदा पानी डाला जाता है, जब उसमें गर्म पानी डाला जाता है। तो पानी में हुए परिवर्तन से, जलाशय में हुए परिवर्तन से जलाशय के अंदर पाए जाने वाले जीवों का जीवन जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उनका खतरे में पड़ जाता है। जैसे किसी नदी में कोई जीव रहते हैं, कुछ मछलियां हैं, कुछ और भी जीव हैं, मेंढक हैं, ऐसे कोई जलीय जीव रह रहे हैं, और उस पानी में यदि कुछ एसिड मिल जाए, कुछ पानी गर्म मिल जाए, गंदा पानी मिल जाए, तो जल के अंदर रहने वाले जीवों की कोई दिक्कत हो सकती है, उनके श्वसन प्रक्रिया में दिक्कत हो सकती है, उनके भोजन में, या कई प्रकार से उसमें दिक्कत हो सकती है। ये कुछ जीवों की वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं तो कुछ को हानि पहुंचा सकते हैं। तो इसमें कुछ जीवों को तो प्रोत्साहित वृद्धि को फायदा मिलेगा शायद, और कुछ को क्या मिल सकता है, नुकसान। तो कुछ जीवों की वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं और कुछ को हानि पहुंचा सकते हैं। ये इस प्रणाली में उपस्थित विभिन्न जीवों के संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। ये जीवों के संतुलन को क्या कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं। तो जल प्रदूषण होगा तो जल में रहने वाले जीवों का संतुलन बिगड़ जाएगा। कुछ का अच्छा होगा लेकिन कुछ का खराब होगा, तो वो संतुलन जो पहले था वो तो नहीं रहेगा, संतुलन में परिवर्तन आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रदूषित जल है या जल प्रदूषण है वो जलाशय में या जल में रहने वाले जीवों के जो जीवन स्तर है उसके संतुलन को बिगाड़ सकता है। तो डियर स्टूडेंट, क्या समझे जल प्रदूषण के बारे में? जल के सामान्य संगठन में हुआ परिवर्तन ही जल प्रदूषण है। वह जल के रासायनिक संगठन में हुए अवांछनीय परिवर्तन जिससे व्यक्ति को रोग हो सकता है, कुछ कारक अलग से आ सकते हैं, उसे जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण के बहुत सारे कारण हैं। फैक्ट्रियों से निकला धुआं हो सकता है, फैक्ट्रियों से निकला कचरा हो सकता है, गंदी नाली का पानी यदि मिल जाए तो हो सकता है, विभिन्न जहरीले बैक्टीरिया, वायरस, कीटाणु यदि जल में मिल जाएं तो जल प्रदूषित हो सकता है। एक लैंग्वेज में हम ये भी कह सकते हैं कि यदि जल में 1% की अशुद्धि है तो वो जल पीने योग्य नहीं होता, याद रखना। जल में 1% अशुद्धि है तो वह प्रदूषित जल है, याद रखना, तो वह प्रदूषित जल होता है। यदि जल में 1% की अशुद्धि होती है तो वह प्रदूषित जल कहलाता है। तो जल के सामान्य संगठन में अवांछनीय परिवर्तन ही जल प्रदूषण कहलाता है। जैसे कि जल का अणु सूत्र क्या होता है,
H2O, इसके अनुपात में यदि कम या ज़्यादा गड़बड़ी है तब भी आप उसे प्रदूषित जल ही कहेंगे। तो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का अनुपात यदि सही है तो ही प्रदूषित जल नहीं माना जाएगा, और इस अनुपात में यदि परिवर्तन आते हैं तो फिर उसे आप प्रदूषित जल कहेंगे, पोल्यूटेड वाटर कहेंगे। चलिए किताब में इसके आगे क्या लिखा है उसको भी देखते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि यदि जल प्रदूषित होगा तो जलीय जीवों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, उनका संतुलन बिगड़ जाएगा। अतः हम निम्नलिखित प्रभावों को दिखाने के लिए जल प्रदूषण शब्द का प्रयोग करते हैं। कौन से ऐसे प्रभाव हैं जिससे कि पता लग जाएगा कि जल प्रदूषण है या जल प्रदूषण का प्रयोग कर सकते हो आप? पहला पॉइंट, सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे, समझने का प्रयास भी करेंगे। जलाशय में अनैच्छिक पदार्थों का मिलना, अनैच्छिक का मतलब क्या हुआ? जो पानी की इच्छा नहीं है कि मेरे अंदर मिले उसे अवांछित या अनैच्छिक कहते हैं। जलाशय में अनैच्छिक पदार्थों का मिलना, ये पदार्थ पीड़कनाशी या उर्वरक हो सकते हैं जो खेतों में उपयोग होते हैं। यदि कोई पानी है किसी जलाशय में और उसमें ऐसे पदार्थ मिल गए जो नहीं मिलने चाहिए थे, या उसमें पीड़कनाशी मिल गए या उर्वरक मिल गए जो खेतों में डालते हैं, वो चीज़ें यदि पानी में मिल गई तो आप उसे क्या कहोगे कि यह जल प्रदूषण है। या वे कागज उद्योग में प्रयुक्त होने वाले विषैले पदार्थ जैसे पारा के लवण हो सकते हैं। या इसके अलावा कागज़ उद्योग में क्या काम में आते हैं? कुछ विषैले पदार्थ, जहरीले पदार्थ जैसे कि पारा के लवण हो सकते हैं। यदि पानी में पारा या उसके लवण भी हैं तो भी पानी को कहोगे कि ये प्रदूषित जल है, ये गंदा जल है, ये पोल्यूटेड वाटर है। ये बीमारी फैलाने वाले जीव जैसे हेजा फैलाने वाले बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। यदि पानी में ऐसे बैक्टीरिया आ गए जो हेजा रोग को फैलाते हैं, है ना, जैसे कि हेजा को फैलाने वाले का नाम मैं लिखूं, पहले के चैप्टरों में बताया भी था, मेरे हिसाब से आपको पता भी होगा, हेजा किसके द्वारा फैलता है? विब्रियो कोलेरी। तो ये बैक्टीरिया भी यदि पानी में आ जाएगा तो भी पानी क्या हो जाएगा? दूषित हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। तो किस कंडीशन में आप कह सकते हो कि पानी प्रदूषित है? एक तो उसमें अनैच्छिक पदार्थ मिल गए, पीड़कनाशी मिल गए, उर्वरक मिल गए, कुछ खाद मिल गए, कुछ पारा या उसके लवण मिल गए, या बैक्टीरिया मिल गए जो रोग फैलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें यदि पानी में यदि मिलेंगी तो फिर ऐसे पानी को आप क्या कहोगे कि वो पानी प्रदूषित है, यानी कहीं जल प्रदूषण हो रहा है। आई बात समझ में? दूसरा पॉइंट देखिए क्या है। ये दूसरा पॉइंट, इच्छित पदार्थों को जलाशय से हटाना, इच्छित पदार्थों को जलाशय से हटाना, इच्छित पदार्थों को जलाशय से हटाना या घुली हुई ऑक्सीजन जल में रहने वाले पौधे और जंतुओं के द्वारा उपयोग की जाती है। तो जैसे कि जल में क्या होता है, मैंने आपको बताया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये दो चीज़ें होती है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जल के रूप में होती है। यदि इसकी कमी हो गई, ऑक्सीजन बाहर चली गई या हाइड्रोजन बाहर चला गया, हाइड्रोजन कम है या ऑक्सीजन कम है, तो जल प्रदूषण कहेंगे ना। क्यों? क्योंकि जल में रहने वाले जीव जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस ही लेंगे, तो उनको बाहर से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो जल में रहने वाले जीवों को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? जल में घुली हुई ऑक्सीजन मिलती है। और यदि जल में ऑक्सीजन कम है तो ऐसे जल को आप क्या कहोगे? प्रदूषित जल कहोगे। किसी भी तरह का परिवर्तन जो इस घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को कम करता है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन जो घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को कम करता है, उसका जलीय जीवों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यदि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो जल में रहने वाले जीव क्या हो जाएंगे? नष्ट हो सकते हैं, वो मर सकते हैं बेचारे। क्यों? क्योंकि जल में रहने वाले जीव क्या लेते हैं? जल की ऑक्सीजन तो लेंगे, वो बाहर से थोड़ी मिलेगी, इसलिए जलीय जीवों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। जलाशय से अन्य पोषकों की कमी भी हो सकती है। तो यदि जल में से हाइड्रोजन कम हो गया, जल में से ऑक्सीजन कम हो गया,
या जल में पाए जाने वाले अन्य पोषक तत्वों में यदि कमी हो गई, तब भी आप ऐसे वाटर को क्या कहोगे? वो प्रदूषित जल है। आई बच्चों समझ में? पहले वाले में देखो, जल में यदि कुछ ऐसी चीज़ घटिया चीज़ें मिल जाती हैं जो प्रदूषण फैलाती हैं, तो आप कहेंगे कि वो जल प्रदूषित है। दूसरी चीज़ें, यदि जल के अंदर की जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात है, जो जल में पोषक तत्व थे, यदि वो बाहर चले गए, तब भी आप कहोगे कि जल प्रदूषित है। एक कारण और ढूंढते हैं जिससे आप ये कह सकते हो कि जल प्रदूषित है। तीसरा कारण देखते हैं। तीसरा कारण देखिए सारे स्टूडेंट्स, तापमान में परिवर्तन। यदि समुद्र का, नदी का, झील का, जलाशय का जो तापमान फिक्स है, यदि उसमें परिवर्तन, वो चाहे कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, तो भी आप उसे कहेंगे कि वो जल प्रदूषित है। कैसे? देखिए, तापमान में परिवर्तन, जलीय जीव जिस जलाशय में रहते हैं वे वहाँ के एक विशिष्ट तापमान के अनुकूल होते हैं। तो जैसे कि कोई मछली है, जैसे कि कोई मेंढक है, वो जिस पानी में रह रहा है, सोचो कि उसके लिए टेम्परेचर सही क्या है, वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपना जीवन यापन अच्छे से कर रही है ना। एक मछली पानी में रह रही है, कल्पना करो, और वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अच्छे से अपना काम कर रही है, अपना जीवन चला रही है, और उस तापमान में अचानक परिवर्तन उनके लिए खतरनाक होगा या प्रजनन की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। यदि मानो कि तापमान अचानक से घटकर 10 हो गया, या तापमान अचानक से बढ़कर 40 हो गया, इस कंडीशन में क्या वो जीव जो मछली अपना काम अच्छे से कर रही थी, वो क्या वो करेगी? नहीं करेगी। उसके काम में कमी आ जाएगी। क्या कमी? जैसे का वे वहाँ के विशिष्ट तापमान के अनुकूल होते हैं, और उस तापमान में अचानक परिवर्तन उनके लिए खतरनाक होगा या प्रजनन की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। उनके लिए खतरनाक होगा, या तो उनकी कोई भी काम रुक जाएगा, जनन का काम रुक सकता है, प्रजनन यानी वो बच्चे पैदा करना चाहते थे उस टेम्परेचर पर वो नहीं हो पा रहे हैं, या भोजन का पाचन नहीं हो पा रहा, या श्वसन में प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ें उसमें आ सकती हैं जब तापमान में बदलाव होगा। जब तापमान में बदलाव होता है, तब भी आप कह सकते हैं कि जल प्रदूषण है। विभिन्न प्रकार के जंतुओं के अंडे और लार्वा तापमान परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं। बहुत सारी मछलियों ने, मेंढक ने, जलीय जीवों ने जल में अंडे दिए थे, लेकिन टेम्परेचर तापमान बढ़ने के कारण वो अंडे नष्ट हो गए, या वो जो लार्वा बन गए थे, अंडे से लार्वा बनता है, या वो लार्वा ही नष्ट हो गया, तो जीवों पर तो बुरा प्रभाव पड़ा ना। तो तापमान बढ़ने के साथ भी जल प्रदूषण में परिवर्तन आता है, वो बढ़ सकता है या घट सकता है। और तापमान बढ़ने से जल के जीव हैं, उनका जीवन खराब हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, कुछ का ठीक भी हो सकता है। तो ये तो वो तीन कारण हैं जिससे आप कह सकते हो कि जल प्रदूषण हो रहा है। पहला कारण बेटा कौन सा है? तापमान कम ज़्यादा होने से भी जल प्रदूषण है। दूसरा कारण, जल में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कम ज़्यादा होगी, उसका अनुपात बिगड़ जाएगा, तो भी जल प्रदूषण है। और पहला ही पहला हमने क्या, अनैच्छिक पदार्थों का मिलना, पीड़कनाशी, उर्वरक, खाद, जहर, विषैले पदार्थ, हेजा की बैक्टीरिया आदि यदि पानी में मिल जाएंगे, तो भी जल प्रदूषण है। तो जल प्रदूषण के ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट कारक हैं जिससे आप ये कह सकते हो कि जल प्रदूषण हुआ है। तो पहला कि जल प्रदूषण कैसे हुआ, क्यों हुआ, आए समझ में? आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छी अच्छी चीज़ें नोट कर लेना। दूसरा क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात है उसमें कम ज़्यादा होना। तीसरा क्या है, तापमान में परिवर्तन, जलीय जीव जिस तापमान में रहते हैं तो तापमान कम ज़्यादा हो जाएगा, तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, अंडे नहीं बचेंगे, लार्वा नहीं बचेंगे, हो सकता है जीव जनन भी नहीं कर पाएं। तो इसीलिए खतरनाक शब्द का इस्तेमाल किया ना, इसका मतलब उनका जीवन खतरे में पड़ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से हमने जल प्रदूषण को पढ़ा है, वाटर पोल्यूशन। तो सिंपल सी बात है, हमने अच्छे से इसको समझ लिया। जल प्रदूषण की परिभाषा फिर भी मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। चलिए कुछ सवाल और करते हैं। कुछ सवाल इसमें दिए गए। हाँ तो बच्चों, अभी हमने जल प्रदूषण पढ़ा, उससे रिलेटेड कुछ सवाल है। पहला सवाल, जीवों को जल की आवश्यकता क्यों होती है? जीवों को जल की आवश्यकता क्यों होती है, बताओ बच्चों। जीवों को जल क्यों चाहिए? क्योंकि जल के बिना उनका कोई काम ही नहीं होगा। जैसे कि कोशिका का लगभग 70-95% भाग किसका बना होता है? जल से। तो हमारा वजन, एक आदमी का जो वजन है, उसका 70-80% भाग किसका बना होता है?
पानी का बना है, तो बिना पानी तो हम है ही नहीं, जल के बिना तो जीवन ही नहीं है ना, क्योंकि जल के बिना कोशिका नहीं बनेगी, कोशिका के बिना हम नहीं बनेंगे। और दूसरी बात है कि मनुष्य के शरीर की जो उपापचयी क्रियाएं हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, वो किसके द्वारा होती हैं? वो जल के द्वारा ही होती हैं। भोजन का पाचन जल के द्वारा होता है, श्वसन है, सारी क्रियाएं हैं वो जल की उपस्थिति में ही कंप्लीट होती हैं। तो जल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार इसको हमने देखा है, समझा है कि बिना जल के जीवन संभव नहीं है। इसलिए सभी जीवों को अपना जीवन यापन करने के लिए, जीवन की सभी उपापचयी क्रियाओं को करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। इसका ये सटीक आंसर है। दूसरा सवाल, जिस गांव, शहर, नगर में आप रहते हैं, वहां पर उपलब्ध शुद्ध जल का मुख्य स्रोत क्या है? आप जिस जगह रह रहे हो, अपने घर में बताओ, अपने गांव में बताओ, अपने शहर में जो पानी आप पी रहे हो, वहां पर शुद्ध जल का स्रोत क्या है? शुद्ध जल के स्रोत में कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि ट्यूबवेल का पानी, या बरसात का पानी यानी टांके का पानी, या फिल्टर वाला आपको पानी देकर जाता है, या आपके घर में पानी का नल आता है, सरकारी योजना से आता है, या फिर वो फिल्टर वाटर वाले कैन आते हैं, कैंपर आते हैं। तो जिस गांव और शहर में आप रहते हैं, वहाँ उपलब्ध शुद्ध जल का स्रोत क्या है? आप अपने अपने हिसाब से बताएंगे, सबके अलग अलग होगा। किसी कोई पानी है वो नदी से लाता है, कोई तालाब से लेकर आता है, कोई ट्यूबवेल से लेकर आता है, कोई जोहड़ से लेकर आता है, कोई फिल्टर वाटर वाले से ले खरीदता है, कोई नल का पानी पीता है। तो पानी कई प्रकार से हो सकता है, तो आपको देखना है कि अपने आसपास में शुद्ध जल के क्या क्या स्रोत हैं, प्योर वाटर के क्या क्या रिसोर्सेस हैं, ये आपको देखना है। अच्छे से आप समझ गए प्रश्न को। अगला सवाल, तीसरा, क्या आप किसी क्रियाकलाप के बारे में जानते हैं जो इस जल के स्रोत को प्रदूषित कर रहा है? अच्छा, जहाँ आपके पानी आ रहा है, क्या आपको पता चल रहा है कि यदि कोई पानी कहीं पर प्रदूषित हो रहा है तो वो किस कारण हो रहा है? बता सकते हो? सोचो, क्या आपके आसपास में ऐसी कोई चीज़ें हैं जो पानी को प्रदूषित कर रही हैं? बिल्कुल कर रही हैं। एक तो देखो, गंदे नाली का जो पानी है वो यदि तालाब में या नदी में या झील में जाता है तो पानी क्या हो जाएगा? प्रदूषित हो जाएगा। दूसरा, अम्लीय वर्षा के कारण। अम्लीय वर्षा कब होगी? जब आपके आसपास में बहुत सारी फैक्ट्रियों से काला धुआं निकलता है, कल कारखानों से धुआं निकलता है, गाड़ियों से काला धुआं निकलता है, तो फिर जब बरसात होगी तो वो प्रदूषित पानी होगा, वो अम्लीय वर्षा होगी, फिर खराब हो जाएगा। बहुत सर, क्या आपके पास में ऐसी कुछ फैक्ट्रियां भी हैं जो अपने गंदे कचरे को नदियों में, झीलों में, तालाब में फेंक देते हैं, डाल देते हैं, उससे भी आपका पानी गंदा होगा। अच्छा, जहाँ पर टांका बना हुआ है, पानी का टंकी बनी हुई है, उसके ऊपर का ढक्कन यदि खुला पड़ा है तो भी पानी प्रदूषित हो जाएगा। पता नहीं कोई पक्षी है, वो उड़ते हुए वो बीट कर देंगे, कोई उड़ता हुआ पक्षी मर जाएगा और मरकर उसमें गिर जाएगा। कुछ पानी के अंदर जानवर पनप जाते हैं, छिपकली है जैसे कि कोई जीव है, वो यदि मरकर पानी में गिर जाते हैं तो पानी खराब हो जाता है। तो बहुत से ऐसे कारक हैं जिससे पानी प्रदूषित हो सकता है। अपने आसपास में ऐसे तो बहुत सारे क्रियाकलाप होते हैं, गंदे पानी, गंदे नाली का पानी है, फैक्ट्रियों से निकला कचरा है, या लोग पानी में कुछ मरे हुए जानवरों को फेंक देते हैं, नदी में, तालाब में, झील में या बांध में, तो भी पानी क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। तो बहुत से ऐसे क्रियाकलाप हैं जिससे बता सकते हो कि जल प्रदूषित हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, यही इस टॉपिक का इतना सार है आज वाले में, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो क्या था? जल प्रदूषण। अच्छे से इन प्रश्नों को लिख लेना, समझने का प्रयास करना। तो कौन सा टॉपिक क्लियर हो गया? जल प्रदूषण। ये टॉपिक हमारा था वाटर पोल्यूशन वाला, जल प्रदूषण वाला। हमने इसको अच्छे से पढ़ा है, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से इसको समझेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे और लगातार इनको वीडियो को देखते रहिए, जिससे कि आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। इन टॉपिक ऐसे ही हैं कि इनको हमें इसी प्रकार से समझना है, क्योंकि ये थ्योरी के चैप्टर ऐसे कि नहीं कि बोर्ड पर इसको पढ़ाने वाला भी, बोर्ड पर भी पढ़ा दो बट कोई नहीं, क्योंकि ऐसे हैं सरल है तो किताब से बहुत अच्छे से समझ में आता है, ऐसे कि लाइन वाइज लाइन अपन समझाएं पढ़ाएं ना, तो इसलिए मैं आपको इसको इस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हमारा क्या था मेन मुद्दा?
चैप्टर नंबर 14 हमने पढ़ा है, जिसका पार्ट नंबर 7वां था, ये 9th क्लास की साइंस का। तो जल में 1% अशुद्धि भी होती है तो उसे प्रदूषित पानी कह सकते हैं। हेजा किसके द्वारा होता है? एक बैक्टीरिया का नाम याद रखना। तो इस प्रकार से हमने जल प्रदूषण को आज अच्छे से कंप्लीट किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो देखते रहिए, बने रहिए। थैंक्स एंड बाय, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। चैप्टर नंबर 14 का पार्ट नंबर 7। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक।